हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली नेल्स के बारे में, एक्रेलिक नेल्स, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं की है। मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है कि कैसे वो बनते हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं उसको सही तरह से बना पाती हूँ या नहीं बना पाती। ठीक है, तो आज हम वो बनाएंगे आप लोगों के साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और वो दिखने में कैसे लगते हैं और बनते कैसे हैं और बनाने के बाद उसको फील क्या होता है। एवरीथिंग आई विल टेल यू। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, तो मज़े की बात यह है कि आपको इसमें यूवी लाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम अपने नेल का साइज़ चेक करेंगे, ये नेल टिप्स हैं, साइज़ चेक करेंगे अपनी नेल्स का और बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर होना चाहिए। और उसके बाद उसके अंदर एल्फी लगा कर या कोई भी नेल ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपने कॉर्नर साइड पर अच्छे से लगानी है ताकि ये उतरे नहीं। ठीक है, तो एल्फी लगाने के बाद आप अपने नेल को नेल के साथ टिप की तरह से इस तरह से जोड़ देंगे, वट एवर आप जो भी कहना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह से मैंने 5 फिंगर्स को ऐसे ही जोड़ा है। और इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गाइज, इसमें यूवी लाइट की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इससे पहले जिस दिन ये किट आई थी उस दिन एक नेल ट्राई किया था जिसमें अच्छा, साथ साथ आपको बता चाहूँ कि अगर आपका साइज़ नेल का बड़ा या छोटा है तो आप उसको फाइल करके सेट कर सकते हैं। और ये हमारा काका जनाब, इसको देख लो क्या कर रहा है। बाकी सेम प्रोसेस है, आपने एल्फी लगानी है या नेल ग्लू लगानी है और साथ साथ 5 नेल्स को नेल्स की टिप्स इस तरह से लगा लेनी है। अच्छा, इसमें यूवी लाइट का आपको बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि नेल ठीक है ना, उतर तो नहीं जाएंगे। और उसके बाद ये मैंने लगा लिया ताकि नेल सेपरेट सेपरेट रहें, उंगलियाँ आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, और ये केस स्टोन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इस किट के साथ ही आता है। और इसके आपने ड्रॉप्स इस तरह से निकाल लेने, और आपका ब्रश बिल्कुल नीट होना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रश को इसके अंदर डिप करके रखें, आपका नेल ब्रश जो है वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। बंद करो यार, ये भी सिर को भी अभी बजना था। और यहाँ पर मैं ये पाउडर के अंदर डिप करूँगी। अच्छा, इसकी बड़ी टेक्निक है, अगर मैंने एक दफ़ा पहले यूज़ किया है ना, मतलब फर्स्ट फिंगर जब मैंने बनाई थी तो वो मेरी बहुत ही बुरी बनी थी, लेकिन बन गई थी। उसमें मैंने यूवी लाइट के अंदर भी अपना हैंड रखा था, जो कि नहीं रखना चाहिए था क्योंकि ये यूवी लाइट के बगैर बनते हैं। और ये आपको पाउडर के साथ जो बनाने हैं ना, ये पॉलीजेल से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसको आपने ख़ुद से सेट करना है। इसके अंदर आपकी हाथों की महारत है मतलब आपका एक्सपीरियंस बोलता है, जितना आप बनाएंगे उतना ये अच्छे बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने एक और बनाए थे लेकिन उसको मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि ये बनते भी हैं या नहीं बनते, क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन मैं बताती चलूँ कि मुझे ना, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे नहीं दिए ब्रशेज़। अच्छा, अजाने हो जाए उसके बाद मैं अपना इसको कंटिन्यू करूँगी। तो हाँ जी, आपने ब्रश को पहले डिप करना है। डिप अगर ज़्यादा हो जाए तो आपने टिश्यू साथ रखना है, टिश्यू के साथ उसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। और उसके बाद आपने जो है ना, पाउडर के अंदर भी डिप ही करना है। ठीक है, आपने कोई लगाना नहीं है, साथ आराम से वो खुद ब खुद जितना भी कलेक्ट होगा उसको ही उठाना है और नेल के ऊपर रख के उसको शेप दे देनी है, बस दैट इट। अभी तक मैंने सिर्फ इतना सीखा है, लेकिन बाकी आहिस्ता आहिस्ता और जब वीडियोस बनाऊंगी तो और तरह से ट्राई करूंगी। इट्स अ बेसिक थिंग, एक्रेलिक की जो बेसिक फ्रेंच नेल्स हैं वो मैंने ट्राई की हैं आप लोगों के साथ। और आप लोगों के साथ मैं लास्ट में एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैं मुतारा को कहूँगी, अभी तक उसने लगा के रखे हैं, तो मैं कहूँगी कि उसको अभी आप लोगों को दिखाए और बताए कि वो कैसा फ़ील कर रही है लगाने के बाद। और इस तरह से आप अपने पांचों के पांचों नेल्स बना लेंगे। चलिए मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ, आप लोग नेल्स इंजॉय करें। तो अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का एक्रेलिक पाउडर यूज़ करूँगी और जो टिप्स हैं उनको एक शेप में तो ऑलरेडी वो हैं, मतलब एक नीटनेस के लिए उसको, मतलब बेसिक उससे जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए उसके ऊपर वाइट कलर की एक्रेलिक पाउडर से शेप करूँगी। सो आप लोग देखें म्यूज़िक के साथ।
यहाँ पे हमारे नेल्स बन चुके हैं, अब हम इनको करेंगे फाइल ताकि इवन एक लेयर लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ा वाला फाइलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बड़े बड़े नेल्स बनाए थे तो मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा। और हाँ, इसको ना यूज़ करने का अभी सही तरीका मुझे आता नहीं है, फाइलर ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है, मैं इसको जहाँ पे रखती थी वहाँ से ज़्यादा हो जाता था, मूव करती थी तो बहुत कम कम होता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको यूज़ करने का तरीका मुझे सीखना पड़ेगा। सो मैंने कोशिश की जितना मैं चला सकती थी एहतियात के साथ मैंने इसको चलाया है। चलें हम म्यूज़िक के साथ इंजॉय करें। फाइल के बाद मैं क्लींजर ले रही हूँ, क्लींजर से नीट करूँगी नेल्स को और जितनी भी डस्ट है वो साफ़ करूँगी, एरिया साफ़ करूँगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। और सेम अब यहाँ पे हम क्लियर कलर का पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जो पिंक और वाइट कलर के दरमियान में जितना भी गैप है या कोई ऊपर नीचे जगह है तो उसको बिल्कुल इक्वल करने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यह ऊपर नीचे है तो मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा क्लियर के साथ इक्वल कर दिया जाए। सो गाइज़ यहाँ पे अब मैं ड्रिल का जो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको चेंज करूँगी, बिल्कुल टाइनी जो इसकी शेप है उसको चूज़ करके इसके अंदर लगाऊँगी बिल्कुल बारीक सी, ताकि मैं जो इसके क्यूटिकल्स हैं उसको रिमूव कर सकूँ। अच्छा, मुझे ना कोई आइडिया नहीं था, मैंने बस अन्यवाह मतलब काम किया है जो काम मुझे पहले करना चाहिए था मैं एंड में कर रही हूँ, बट खैर सब चलता है, आप बस करने वाले बनो। म्यूजिक ऑन करते हैं और इंजॉय करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारे नेल्स बन चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं, देखने में तो बहुत ही हसीन लग रहे हैं, ओरिजिनल में भी देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया इस तरह के नेल्स। सो गाइस, आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो किसी लड़की के साथ लाजमी शेयर करना जिसको नेल्स का ज़्यादातर शौक हो, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मुतारा का एक्सपीरियंस। सो मुतारा, तुम्हें कैसे लगे हैं नेल्स? वैसे तो यानी कि प्यारे हैं देखने में और मटेरियल में भी अच्छे अच्छे, जिनको फैशन का शौक है हाँ उनके लिए यानी कि बहुत प्यारे हैं, लेकिन एज जब से लगाए हैं मैंने तो पहली दफ़ा लगवाया, मुझे मतलब भारी अजीब सा फील होता है, यानी कि ये हाथ यानी कि ना फ्री फील होता है, ये थोड़ा सा वजन नहीं कहीं कि बंदा घूम रहा होता हाथ से। तो फैशन में तो यूं करना पड़ता है ना, आईब्रोज बनवाती हो पेन होता है ना, बस
तो ये फैशन है, फैशन तो फिर हर दर्द के बाद ही कुछ मिलता है। बंदे को यूं खारिश हो रही हो, मैं तो डर से उतरना जाए, लेकिन उतरे नहीं है ये, उतरते नहीं है ये, नहीं उतरेंगे। मुतारा तुम क्यों डर रही हो, तुम यार मेरा फर्स्ट टाइम, तुम ऐसे थोड़ा सा हार्ड से ना करके दिखाओ, मतलब अपने हाथ के साथ ना यूं थोड़ा सा हार्ड में करके दिखाओ, हाथ के साथ करना था जोर से थोड़ा सा। नहीं मेरे को दर्द होती है फिर, लेकिन नहीं उतरे। सो आर यू हैप्पी? या हम लोग ब्लॉग भी आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, इतनी मेहनत करके सुबह उठ गए शाम लेट गए तो हमारे ब्लॉग को भी देखा करें, ब्लॉग ज्यादा देखा करें, हाँ क्योंकि वो हम डेली डालते हैं। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, जा रही हूँ, मेरे को भी फॉलो कर लेना बस। ओके गाइस, मुताहरा राना इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे मुताहरा राना लिखेंगे आपको ये मिल जाएगी। अच्छे अच्छे डांस की वीडियोस देखनी हो, अच्छी सी फनी वीडियोस देखनी हो, अच्छी सी सास अम्मा वाली वीडियोस देखनी हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।